हम आपको लेकर चलते हैं विधानसभा में। पश्चिम बंगाल की विधानसभा में मौजूदा स्वरूप क्या है, अब उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। और ये देखिए, ये आ गई है पश्चिम बंगाल की विधानसभा। और यहां पर आपको बताते चले, 216 सीटों के साथ तृणमूल कांग्रेस अपने विधायकों को चारों तरफ बिठाएगी, सत्तारूढ़ ये पार्टी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है जब 3 सीटें 2016 में जीतने वाली ये पार्टी, अब उसका दायरा काफी ज्यादा बढ़ गया है। मुख्य विपक्षी पार्टी, मजबूत पार्टी के तौर पर वो निकलकर सामने आई है। 75 सीटें भारतीय जनता पार्टी अब तक के रुझानों के हिसाब से बढ़त बनाते हुए आगे की ओर बढ़ रही है। कुछ सीटों पर रिजल्ट भी आ गए हैं, कुछ रुझान में कुछ ही देर में रिजल्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। 216 पर तृणमूल कांग्रेस और 75 पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर आगे की ओर चलती हुई। तृणमूल कांग्रेस 1998 में टीएमसी की स्थापना ममता बनर्जी करती है, कांग्रेस पार्टी से अलग होकर। उसके बाद लगातार वो चुनाव दर चुनाव अपनी जीत कायम करती हुई चली जाती हैं। उसके बाद आ जाता है सिंगूर 2006 का आंदोलन, उसके बाद नंदीग्राम 2007 का आंदोलन, और इन्हीं आंदोलनों के बलबूते ममता बनर्जी 2011 में सत्ता में जाती हैं। और फिर बीते 10 सालों से ममता बनर्जी जीतती हुई और इस बार हैट्रिक लगाया है शानदार तरीके से। ये विधानसभा एक बार फिर से आपके सामने है। विधानसभा के भीतर तृणमूल कांग्रेस 216 सीटों के साथ, पिछली बार 2016 में सिर्फ 211 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन इस बार 216 सीटें यानी कि पिछली बार से ज्यादा सीटें मिली हैं। और पिछली बार के मुकाबले वोट प्रतिशत भी तृणमूल कांग्रेस का ज्यादा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 121 सीटों पर 2019 के लोकसभा चुनाव में 18 सीटें जीतने के साथ ही इस पार्टी ने लीड ली हुई थी, लेकिन 2019 वाला प्रदर्शन वो दोहरा नहीं पाई। 75 सीटों के आसपास भारतीय जनता पार्टी, लेकिन यकीनन 2016 से अगर हम तुलना करेंगे तो उसकी ये बहुत बड़ी बढ़त है। और 75 विधायकों के साथ अब बड़ी चुनौती ममता बनर्जी की पार्टी के सामने बीजेपी के तमाम विधायक और कार्यकर्ता देते हुए नजर आएंगे। इन सब के बीच आपको बताते चले, एक बड़ी खबर सामने आ रही है पश्चिम बंगाल की। ये चुनावी राजनीति जैसे जैसे आगे बढ़ी उसके बाद किस तरह से अलग अलग रंग भी पश्चिम बंगाल के देखने को मिलते रहे, लेकिन इन सब के बीच आपको बताते चले, नंदीग्राम को लेकर सभी के जहन में सवाल रहा कि वहां पर क्या है। नंदीग्राम हार चुकी है ममता बनर्जी ने नंदीग्राम के नतीजों पर, लेकिन उनकी ओर से सवाल भी खड़े किए गए हैं। टीएमसी ने वही नंदीग्राम में रिकाउंटिंग की मांग की है, यानी कि दोबारा वहां पर काउंटिंग की जाए। चुनाव आयोग पर गड़बड़ी का आरोप लगाए हैं। ममता बनर्जी का कहना है कि वो अब इसके खिलाफ कोर्ट जाएंगी। ममता बनर्जी जिन्होंने कुछ देर पहले प्रेस के सामने अपनी बातें रखी, उन्होंने ये कहा कि भूल जाइए नंदीग्राम में क्या हुआ, लेकिन कोर्ट जाएंगी अब नंदीग्राम के चुनावी नतीजों को लेकर। नंदीग्राम जहां से शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हरा दिया है, इसको लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से क्या कुछ कहा गया सुनिए। इलेक्शन कमीशन, आई मस्ट से how they fought with us, just like a BJP spokesperson. Even really I am sorry, when I raised the issue for Nandigram, you people didn't believe that how they looted. You see, the other state, full of state given one mandate, and one constituency, can they give the other mandate? Is it possible? It is not. It is totally, they were stopped surveillance, they have stopped survivor about 3 hours, they announced the winning, and after that they are saying something. So this is some looting is going on, some cheating is going on. We will fight in the court case, we will file the court case, and we will fight for that. तो टीएमसी ने की है नंदीग्राम में दोबारा काउंटिंग की मांग, लेकिन इन सब के बीच अब कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे ममता बनर्जी। नंदीग्राम के नतीजों को लेकर वो संतुष्ट नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर आज के आंकड़ों के जरिए पश्चिम बंगाल की जनता ने एक बार फिर से ममता दीदी पर ही अपना भरोसा जताया है और इस लिहाज से चल गया है दीदीगिरी समूचे पश्चिम बंगाल में। शानदार जानदार प्रदर्शन ममता बनर्जी का, लेकिन इसी के साथ अब बीजेपी के लिए सबक भी कि आखिर गलतियां कहां पर रह गई कि वो 100 के आंकड़े को भी पार नहीं कर पाई।